मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह हो चुकी है, मैं सुबह की चाय का मज़ा ले रहा हूँ, ग्रीन टी। अभी सुबह के 7 बजे हैं और आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही सुहाना दिन है। कल आपने देखा ही होगा, कल कितनी बुरी हालत हो गई थी हम लोगों की, और रास्ते में काफ़ी बर्फबारी का सामना करना पड़ा और बाइक में भी दिक्कत आई। आज हम जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ LOC जाने वाले हैं हम, फेमस LOC ऑफ करगिल, जहाँ पे वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो आज हम उस बॉर्डर पे जाने वाले हैं, तो देखते हैं दिन कैसा जाता है। तो अभी 7 बज चुके हैं, अब हो चला है ब्रेकफास्ट का टाइम। अभी मैं होटल के बालकनी में हूँ, यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, हल्की हल्की छोटी छोटी फुहार टाइप की, ओस की जैसे बूंदें होती हैं, बर्फ़ पड़ रही है। और बहुत अच्छा वेदर है सुबह, यहाँ पे ठंडी है, काफ़ी ठंडी है यहाँ पे, कल की जगह नहीं है जितना कल हम फोटला पास पे फंस गए थे। फोटला पास पे जितनी अच्छी बर्फ़ पड़ रही थी। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट टेबल रेडी हो रहा है, ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। और आप अगर मेरे पीछे देखेंगे वहाँ पे, तो बहुत ही शानदार ग्लेशियर है मेरे पीछे। इससे पहले मैं ठंड में जम जाऊँ बाहर, मैं जा रहा हूँ अंदर गरम गरम कॉफ़ी पीने और ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए चलते हैं। सुबह के स्नोफॉल के बाद अभी मैं पराठे का मज़ा ले रहा हूँ, कॉफ़ी अलग टेस्ट है यहाँ का, यहाँ के कुजीन का। अपने यहाँ के जो पराठे हैं और यहाँ के पराठे में डिफरेंस तो है, पर गरम गरम तो हर चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ से चेकआउट हमने कर लिया है और हम जा रहे हैं LOC कारगिल देखने, पाकिस्तान बॉर्डर जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। और ये है अपनी कार, और ये हैं हम, और यहाँ हो रही है बर्फबारी। दोस्तों, कारगिल पहुंचने तक का तरीका अभी रोड ही है, चाहे आप कश्मीर की तरफ से आओ या आप लेह की तरफ से आओ। और यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है अप्रैल से लेकर नवंबर तक, क्योंकि बाकी महीनों में ठंड काफ़ी पड़ती है और लेह श्रीनगर हाईवे बंद हो जाता है। खाने की कोई ऐसी चीज़ जो सब यहीं मिलती है? हाँ सर, जो यहाँ के सिर्फ जो यहीं मिलती है पूरे इंडिया में। हाँ सर, क्या खुमानी सर? खुमानी हाँ, ये तो सूखा मिलता है। हाँ, और एप्पल मिलता है। अच्छा, नहीं एप्पल तो हर जगह मिलता है, हिमाचल में मिलता है, यहाँ लियांग के लोकल सर। हाँ, शलगम मिलता है, मोगमोग मिलता है। अब बोलिए क्या कह रहे थे आप? शिलाजीत मिलती है। कब चाहिए? आज आज अभी अभी। रहा नहीं जाता। दोस्तों, कारगिल घूमने से पहले कारगिल शहर का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1947 में इंडिया के पार्टीशन से पहले ये लद्दाख का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसमें लगभग हर धर्म के लोग रहते थे। और लद्दाख की तीन तहसील थी, लेह, स्कर्दू और कारगिल। 1947 से 48 में पहली कश्मीर वॉर ख़त्म होने के बाद कारगिल और लेह तहसील इंडिया के पास रह गए और स्कर्दू तहसील पाकिस्तान के पास चली गई। इंडिया ने फिर लेह और कारगिल को जम्मू एंड कश्मीर के ज़िले बना दिया। और 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC में फिर से बदलाव हुए, जैसे हुंडरमान विलेज जो कि पाकिस्तान के पास था वो इंडिया ने वापस ले लिया, और आज हम वहीं जा रहे हैं। 1999 में फिर से जंग हुई, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी कारगिल और द्रास तक पहुंच गई थी, और जिसे हमारी जनरेशन ने बचपन में न्यूज़ में काफ़ी पढ़ा था। वो जंग इसी श्रीनगर लेह रोड के आसपास की पहाड़ियों में लड़ी गई थी। 31 अक्टूबर 2019 में फिर से यहाँ बदलाव हुए। इंडिया के प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने वाले बिल पर साइन किया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और अब कारगिल फिर से लद्दाख के अंदर में आ गया है। तो ये था यहाँ का इतिहास। अब बात करते हैं कारगिल में देखने लायक क्या क्या है। तो सबसे पहले, गर्मियों के महीनों में आप यहाँ ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हो। दूसरा, कारगिल अपने एप्रिकॉट यानी खुबानी के बगीचों के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, और गर्मियों में इन एप्रिकॉट के पेड़ों की वजह से पूरी वैली बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर में बदल जाती है, वो आप देख सकते हो, और साथ ही साथ एप्रिकॉट खरीद के भी ले जा सकते हो। तीसरा, आप देख सकते हैं मुंशी अजीज भट्ट म्यूजियम ऑफ सेंट्रल एशियन एंड कारगिल ट्रेड। चूंकि कारगिल पुराने सिल्क रूट का इम्पोर्टेंट हिस्सा था, तो यहाँ श्रीनगर, स्कर्दू,
लद्दाख, चाइना और दूसरी जगह के ट्रेडर्स आके रुकते थे और उन्हीं व्यापारियों के द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, वो आप देख सकते हो, जिससे आपको यहाँ की कल्चर और इतिहास के बारे में और अच्छी जानकारी मिलेगी। अगला आप जा सकते हो द्रास वार मेमोरियल, जो कि कारगिल से 55 किलोमीटर दूर है और ये स्मारक 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। ये उन सभी शहीदों को समर्पित है जिन्होंने कारगिल वॉर में देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। और ये मेमोरियल स्थित है द्रास वैली में, जो कि भारत का ऐसा सबसे ठंडा स्थान है जहाँ लोग रहते हैं। जी हाँ, और यहाँ जाड़ों में तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। और आखिरी है हुंडरमान विलेज, जो कि एलओसी के पास है और आज हम वहीं जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं हुंडरमान विलेज की। कुछ लोग इसको हुंडरमान, कुछ हुंडरमान या हुंडरमान ब्रोक इस गांव को कहा जाता है। ये कारगिल से है लगभग 10 किलोमीटर और यहां तक का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ और काफी खड़ी चढ़ाई वाली संकरी घुमावदार सड़क से बना है, जो जाड़ों में बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती है। और यहाँ आने के लिए आप टैक्सी ले सकते हो, अपने व्हीकल से जा सकते हो, और अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद है तो आप बस भी ले सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि हुंडरमान क्यों जाएं? तो इंडिया पाकिस्तान में हुए वॉर की वजह से एलओसी के पास रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ा और वो कैसे सारी मुसीबतों का सामना करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, ये आप अच्छे से महसूस कर पाएंगे इस गांव में। अब बात करते हैं यहाँ के इतिहास की। तो हुंडरमान विलेज लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास भारत का आखिरी गांव है और कभी ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा रहे इस हिमालयन क्षेत्र में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ हुई 4 जंग शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिलने के बाद हुए बंटवारे से एलओसी के पास रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। 1947 से लेकर 1971 तक ये गाँव पाकिस्तान के पास था और 1965 की जंग में 4 महीने ऐसे भी आए जब ये ना पाकिस्तान का पास था और ना इंडिया के पास था। और फिर 1971 की जंग में जब सबका ध्यान बांग्लादेश की तरफ था, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से इस गांव को वापस जीत लिया। और जैसे जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट हुई, परिवार बिखर गए, कई लोगों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और जो लोग अपने घर को छोड़ने के बारे में सोच नहीं सके, उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। तो इस प्रकार कई परिवार दो देशों की लड़ाई की वजह से विभाजित हो गए। देखो भाई लोगों, सामने जो सड़क जा रही है रिवर के दूसरी तरफ, सीधा पाकिस्तान जा रही है। तो कारगिल से 2-3 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, अभी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देखिए क्या नजारे हैं। पूरी वैली दिख रही है और ये पीछे की तरफ पाकिस्तान है और ज़बरदस्त नज़ारे यहाँ से, मज़ा आ गया। काफ़ी ठंड है पर उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इस गांव का नाम हुंडरमान कैसे पड़ा, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पहले इस गांव को हुंडरमो कहा जाता था। 1971 की वॉर में मेजर मान बहादुर ने गांव वालों की बहुत मदद की थी और पाकिस्तानी आर्मी को इस क्षेत्र से पीछे धकेलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वॉर ख़त्म होने के बाद जब ये गांव इंडिया का हिस्सा बन गया तो मेजर मान बहादुर का नाम गांव के नाम के आखिर में जोड़ दिया गया और इस तरह से हुंडरमो बन गया हुंडरमान। काफ़ी शानदार नज़ारे हैं, देखिए चारों तरफ खूबसूरती बिखरी हुई है चारों तरफ। यहाँ पे ये जो रिवर बह रही है ये पाकिस्तान जा रही है और ये इंडिया की चेक पोस्ट है। यहाँ पे पीछे नीचे की तरफ ही चेक पोस्ट है और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, हवा काफ़ी पतली है, सांस लेने में तकलीफ़ तो नहीं हो रही। ठीक मेरे पीछे है पाकिस्तान, हम हैं एलओसी कारगिल, जहाँ पर 99 की वॉर हुई थी
आप सब लोग उसके बारे में जानते ही हैं। यही वो इलाका है जहाँ पर उस टाइम पे गोलीबारी होती थी, बम चलते थे। तो हम उसी हिस्टोरिक जगह पर हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे, पूरा ग्रुप इंजॉय कर रहा है अच्छे से। काफ़ी ऑसम जगह है गाइज। तो अगर आप लेह लद्दाख प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। LOC कारगिल देखने की जगह है, काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। देखिए कैसा लग रहा है यहाँ के, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओरिजिनली गांव कुछ सदियों पहले पहाड़ी में नीचे की तरफ स्थापित किया गया था, क्योंकि गर्मियों में वहां पशुओं को चराने के लिए उपजाऊ मैदान थे। पर दो देशों के बीच LOC पर रहने के कारण वहां के निवासियों का जीवन आसान नहीं रहा और धीरे धीरे अधिकतर लोगों ने LOC से खुद को दूर करते हुए घाटी के ऊपरी हिस्सों में घर बना लिए और पुरानी बस्ती को लोगों ने एक हेरिटेज साइट के रूप में बदल दिया, जिसमें एक छोटा 3 कमरों वाला म्यूजियम बना दिया गया है, जिसमें पुरानी और हाल की ही सांस्कृतिक कलाकृतियां रखी हुई हैं। इस म्यूजियम को म्यूजियम ऑफ मेमोरी यानी यादों का संग्रहालय कहा जाता है। और इस म्यूजियम में इस क्षेत्र में युद्ध के बाद जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है लोगों के, ये सब दिखाया गया है। इस गांव के काफ़ी लोगों ने 1999 की वॉर में पोर्टर का काम किया था, यानी आर्मी के लिए खाना पानी और ज़रूरी सामान ऊपर पहाड़ तक लेके जाना, और आज भी इस गांव के लोग वो काम करते हैं। रास्ते में आपने देखा होगा अनलॉक हुंडरमान का बोर्ड लगा हुआ था। अब इसका मतलब क्या है? तो अनलॉक हुंडरमान टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के लोकल लोगों का इनिशिएटिव है। अनलॉक हुंडरमान का मतलब है म्यूजियम ऑफ मेमोरी को जाके देखना, यहाँ की यादों को अनलॉक करना। पुरानी बस्ती जहाँ पर यह म्यूजियम बना हुआ है, इसका निर्माण पहाड़ी पर चिपके हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह किया गया था। कमरे छोटे बनाए गए हैं जो कि भयंकर ठंड में हीट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी गर्माहट को रोक लेते हैं। जब गांव कई फीट बर्फ में दब जाता है, तभी इस गांव की यूनिक स्ट्रक्चर लोगों को सर्दी से बचाती थी। तो जैसा मैंने पहले बताया था, भारत पाकिस्तान की लड़ाइयों ने इस क्षेत्र के लोगों की पहचान और संस्कृति को कुछ हद तक मिटा दिया, और इसी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए और इंडिया पाकिस्तान वॉर से प्रभावित हुए लोगों की कहानियां बताने की एक पहल है ये म्यूजियम ऑफ मेमोरीज। और इस म्यूजियम में प्रदर्शित सभी चीज़ों को गांव के कोनों से खोद कर निकाला गया है और हर एक चीज़ की अपनी अलग कहानी है। इसमें शामिल है पुराने रसोई के बर्तन, गहने, हाथ से बने साबुन, पुराने पहचान पत्र, चिट्ठियाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा छोड़े गए कुछ पर्सनल आइटम्स, सीमा पार चले गए गांव के लोगों की तस्वीरें, युद्ध की गोलियां, बम के गोले, बंदूक और मिसाइलों के अवशेष। तो इस यूनिक म्यूजियम में एक तरह से बहुत सारी यादें हैं जो लोगों को अपने अतीत से जुड़ने के लिए संरक्षित की गई हैं। और इस गांव तक पहुंचने से पहले एक चेक पोस्ट दिखाई देगी जहां पर आपको आर्मी के टेंट दिखाई देंगे। इसमें कुछ लोग पुर्गी यानी लोकल लोग हैं और गांव के लोगों को अच्छे से जानते हैं, ये गांव पर अपनी नज़र रखते हैं। और किसी भी बाहरी व्यक्ति यानी नॉन पुर्गी को अपनी पहचान यहां बतानी पड़ती है। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कारगिल से बाहर के लोग इस गाँव में रात में स्टे नहीं कर सकते।
बच्चे प्रेयर करते हुए, इतनी ठंड में भी स्कूल खुला है। अगर आप सुन रहे हो गाना चल रहा है देशभक्ति का, कहाँ से आ रहे हैं गायब हो गए थे, सुधर के गए, सुधर नहीं गए थे, एकदम देसी टाइप में था यहाँ पे अंदर, घर के अंदर में भी वहाँ पे पानी नहीं है, एकदम नॉर्मल है देसी टाइप वाला। तो पानी की समस्या तो पूरे लद्दाख में है, लद्दाख में है हाँ, और इस बार बर्फ भी कम पड़ी है तो पानी की थोड़ी शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है। और ये पता नहीं कौन सा यंत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइटर जला के चल रहा है उधर मस्त। तो ये हिंदुस्तान का आखिरी गाँव है और इससे आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो मेरे ठीक पीछे गाँव है और वहाँ पर छोटा सा स्कूल है जहाँ पर बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया। तापमान काफ़ी गिर गया है, ठंड है, तो कान मैंने कवर कर रखे हैं अपने, तो ठंड तो लग रही है पर मज़ा बहुत आ रहा है। और अगर जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप ले आ रहे हैं, लद्दाख आ रहे हैं, तो कारगिल ज़रूर आएँ, और अगर कारगिल आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। इस गाँव का नाम है हंदुरमान ब्रुक। दोस्तों ये है अपना एलओसी कारगिल का ब्लॉग ख़त्म होता है अभी। अब हम जाने वाले हैं वापस कारगिल शहर के अंदर, जहाँ से हम जाएंगे वापस ले, उसी हाईवे पे जाएंगे जहाँ से कल आए थे, फाटुला पास नामिकला जाएंगे। फिर से बर्फ़ आएगी, फिर से मस्त रोड आएगी, फिर से हम बाइक चलाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलूँगा आपसे फिर से उसी हाईवे पे, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहूँगा। बाय बाय फ्रॉम एलओसी कारगिल। बहुत मज़ा आया, तो ये प्लेस पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, सब लोग इसको फील करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड फीलिंग है ये यहाँ पर आके, बहुत मज़ा आया। बाय बाय।